तो हे गाइस, फाइनली अपनी दिल, अपनी धड़कन, अपनी बीजीएमआई इज बैक। और उसके खुशी में आज लाया हूं मैं वीडियो सेंसिटिविटी के ऊपर। और ये सेंसिटिविटी अगर तुमने यूज कर ली ना, टू बी सीरियस, तुमको बीट करना क्वाइट टू बी इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसिटिविटी काफी ज्यादा अमेजिंग सेंसिटिविटी होने वाली है। और ये सेंसिटिविटी बनाने में मुझे लिटरली महीनों का टाइम लगा है पबजी मोबाइल में। और गाइस, कहीं ना कहीं उसके बाद जाकर के ये सेंसिटिविटी बन पाई है। और लिटरली अगर ये सेंसिटिविटी कोई यूज करता है ना, टू बी सीरियस गाइस, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, बस तुम एक बार यूज करके देखना, इतना ज्यादा अमेजिंग तुम्हारा गेम हो जाने वाला है ना। टू बी सीरियस, तुम बोलने वाले हो गेम ऑन भाई, क्या सेंसिटिविटी दिया है रोस्ट भाई ने। तो बस भाई, चलो सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और तुम्हें देता हूं मैं सेंसिटिविटी और बताता हूं ये सेंसिटिविटी की खासियत है, क्या क्या है इसके अंदर की बेस्ट थिंग्स। ठीक है गाइस, सबसे पहले सेंसिटिविटी में मेन थिंग होनी चाहिए हेडशॉट। जैसे ही तुम किसी पे स्प्रे दो, हेडशॉट लगने चाहिए। तो भाई ये देख सकते हो, टन 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 की आवाज सुन लो भाई। तो गाइस, इस सेंसिटिविटी को लगाने के बाद अगर तुम किसी को भी अगर स्प्रे देते हो और वो तुम मिड रेंज से दो या फिर क्लोज रेंज से दो, हेडशॉट मैक्सिमम टाइम करंट होने वाला है, कनेक्ट होने वाला है। और लिटरली देख सकते हो, मैं वॉल के आसपास भी मार रहा हूँ, फिर भी भाई बंदे के हेड पे ही गोलियां लग रही है, क्योंकि भाई ये सेंसिटिविटी ही ऐसी बनी है ना भाई, एकदम मैग्नेटिक सेंसिटिविटी है। हेडशॉट तो भाई दबा के मारने वाले हो तुम। और टीडीएम भाई अगर किसी से खेल रहे हो भाई, समझ जाओ सामने वाला तो हार गया है पहले ही भाई, वो हार गया है। तुम बस स्प्रे देना और वो किस तरह मरेगा ना, वो तो तुम्हें हैकर बोल के जाएगा टू बी सीरियस इस सेंसिटिविटी लगाने के बाद। और टू बी सीरियस तुम देख सकते हो हेडशॉट परसेंटेज इसके कितना ज्यादा अमेजिंग है। एक ही M6X यूज कर रहा हूं मैं, फिर भी देख लो हेडशॉट कितने ज्यादा कनेक्टेड है। और भाई M4 6 की बात ही मत पूछो भाई, उसका तो अलग ही लेवल है। और अगर क्राउच देके तुम मार रहे हो भाई, एक गोली हेड के अलावा और कहीं तो जाने ही नहीं वाली है। तो चलो फटाफट से मैं तुमको अपनी सेंसिटिविटी दिखा देता हूं। तो गाइस, हमारे न्यू BGMI में यानी कि 2.5 अपडेट के BGMI में हमारी सेंसिटिविटी गाइस, इसमें है ना कैमरा का नाम बदल के लेंस कर दिया गया, बट काम सेम है। ठीक है, कैमरा सेंसिटिविटी तुम मेरी देख सकते हो ध्यान से, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और तुम्हारा जो भी गड़बड़ है ना उसको ठीक कर लो। अगर तुम्हारा पूरा ही गड़बड़ है तो तुम पूरा ही कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और कैमरा के ADS की सेंसिटिविटी अलग होने वाली है, तो ये भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर तुमको क्लोज रेंज में एमिंग करने में प्रॉब्लम होती है ना भाई, तो ये तुम्हारे लिए एकदम स्पेशल है। और अगर तुम नॉन जायरो प्लेयर हो ना भाई, तुम कॉपी पेस्ट कर लो भाई, सीधा कॉपी पेस्ट कर लो। और जायरो प्लेयर भी घबराओ मत, दोनों के लिए जायरो प्लस नॉन जायरो। ठीक है, अगर नॉन जायरो को यूज करता है तो वो थोड़े बहुत अपने तरह से एडजस्ट कर लेना, बट जायरो वाले तो एज इट इज कॉपी भी कर लोगे, काम चल जाएगा। और गाइस, हमारी फ्री लुक की जो सेंसिटिविटी है ना कैमरा की, वो कुछ ऐसी है। और इस सेंसिटिविटी की वजह से जो मेरा मूवमेंट होता है ना, जो मेरे रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। तुम खुद देख सकते हो भाई, मैं कितनी तेज़ी में एम स्विच कर सकता हूँ, चाहे वो स्कोप खोल के करूँ या फिर विदाउट स्कोप खोले हुए करूँ, मैं बहुत तेज़ी में एनिमी को तुरंत तुरंत स्कोप चेंज करके मार सकता हूँ, विद स्कोप के साथ भी मार सकता हूँ, तुरंत तुरंत इधर स्कोप कर सकता हूँ, उधर स्कोप कर सकता हूँ। ये सारे होते हैं फ्री लुक के कारण। और फ्री लुक की सेंसिटिविटी मेरी एकदम परफेक्ट है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, एकदम मीडियम में एकदम बेस्ट है। तो तुम फ्री लुक की भी सेंसिटिविटी कॉपी कर सकते हो। और अब फाइनली जायरो सेंसिटिविटी तुम मेरी देख सकते हो, 400 400 400 400 300 225 140 एंड फाइनली 100। लिटरली मुझे तो याद हो गया अपना सेंसिटिविटी, और इतना ज्यादा इजी एंड सिंपल सेंसिटिविटी है। बट जब तुम इसको यूज करोगे ना भाई, नॉट इट इजी टू हैंडल बाई एनिमी भाई, बहुत खतरनाक होने वाला है। और ADS जायरो बहुत ज्यादा डिफरेंट होने वाला है जायरो सेंसिटिविटी से, तो उसको एज इट इज देख के कॉपी कर लो। मैंने पहले से इसलिए इसको नहीं बना रखा कि तुम्हारे सामने बनाऊंगा तो मे बी तुमको याद भी हो जाए। ठीक है, और तुम यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर भी कॉपी कर सकते हो। और लास्ट में मैं अगर तुम BGMI प्लेयर हो तो कोड दे दूंगा, और PUBG प्लेयर हो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और फाइनली मैं लास्ट में कोड भी दे दूंगा, तो डोंट वरी अगर तुम BGMI प्लेयर हो तो। ठीक है, और ADS सेंसिटिविटी में रेड डॉट को हमेशा 370 के आसपास रखना चाहिए अगर 400 जायरो यूज कर रहे हो, वरना फिर रेड डॉट भाई अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। अगर कम करोगे तो नीचे भागेगा, ज़्यादा करोगे तो ऊपर भागेगा। 370 के आसपास परफेक्ट रहता है, और हेड ही हेड बचते हैं, जैसा कि तुमने आगे एग्जांपल में तो देखा ये रेड डॉट का। तो भाई यही है वो खासियत बात, यही है वो बात जिसके कारण रेड डॉट पे हेड ही हेड लगता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, एकदम स्मूथ लाइक बटर सेंसिटिविटी होने वाली है ये। और फाइनली गाइस, अब वो टाइम आ चुका है जब मैं तुम्हें दूँ सेंसिटिविटी की कोड। तो गाइस, फाइनली अब क्लाउड मैनेजमेंट में आ चुका है, और यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, और यहाँ पे प्रीव्यू पे जैसे ही मैं टैप करूँगा ना, शेयर टू क्लाउड करूँगा,
बस आ गई है मेरी सेंसिटिविटी, मैं टू फिंगर नहीं, मैं फोर फिंगर प्लेयर हूँ। अगर तुमको मेरा कंट्रोल का लोड आउट चाहिए, ठीक है, यानी कि जो मैं कंट्रोल्स यूज़ करता हूँ वो भी काफ़ी परफेक्ट है, और उसमें तुम 4-5 दोनों फिंगर खेल सकते हो और बहुत खतरनाक तरीके से कंट्रोल मैनेज कर सकते हो, अगर वो चाहिए तो तुम प्लीज़ से मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सेंसिटिविटी वाली वीडियो तुम्हें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ से कमेंट में बता दो, बुरी लगी वो भी बात बताना, मैं इंप्रूव करने का ट्राई करूंगा। और लिटरली अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से कर दो, वीडियो को लाइक तो डेफिनेटली करके जाना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी सेफ, टेक केयर, सेवनाड़ा।